राहुल यदुवंशी जुड़े हैं नोएडा से हमारे साथ। राहुल, आप किस तरह की तस्वीर अभी देख पा रहे हैं? आज की रौनक तो देखते ही बन रही है, अब क्या तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय? देखिए अमन, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिस तरीके से रात्र के 12 बजने वाले कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का दिन तो आज है ही, इसके साथ साथ जिस तरीके से 12 बजने के करीब आने वाला है, लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है मंदिर के अंदर। लोग खास 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेना चाहते हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, छोटी बच्चियां भी आई हुई हैं, जिनको बाल कृष्ण का रूप दिया गया, किसी को बाल सखा का रूप दिया गया, किसी को बाल गोपिका का रूप दिया गया और साथ साथ किसी को बाल राधा का रूप भी दिया गया। इसके अंदर कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और इसके साथ साथ आज का जो विशेष दिन है, आज का जो शुभ दिन है, इस शुभ दिन को अपने जीवन में उतार लेना चाहते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु, सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद, इसके साथ साथ श्री कृष्ण के जयकारों के साथ में, श्री राधा रानी के जयकारों के साथ में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मन में सच्ची भाव लिए, श्रद्धा भाव लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आज के दिन शुभ समय के दिन, खासतौर में आज का दिन तो वैसे ही बहुत ज्यादा शुभ है क्योंकि कृष्ण पक्ष की अष्टमी के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र भी है, इसके साथ साथ उच्च का चंद्रमा भी है और इसके साथ साथ दिन भी बुधवार का है। ये जो विषय, जो संयोग बना हुआ है, ये संयोग द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का बना हुआ था, इसलिए आज का दिन वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है पंचांगों और मीडिया में। इसके अलावा बहुत जगह पर बताया गया ये, और मैं भी आपको खासतौर पर बता दूं कि 19 साल बाद ये सुखद संयोग पड़ा है तो आज के दिन दर्शन करने का जो महात्म्य है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी अमन जी, बिल्कुल राहुल, और बेहद ही हम देख रहे हैं उत्साह, उमंग देख रहे हैं भक्तों में, वो इंतजार करेंगे 12 बजे तक का और दर्शन करके ही लौटना चाहते हैं। आज के खास दिन को वो खास तौर पर इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आज के खास दिन का। जी मैं बिल्कुल, आज का दिन जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि आज के दिन दर्शनों का विशेष, जो सौभाग्यशाली लोग हैं वही मंदिरों में आकर, और आज के दिन व्रत रखने का भी महत्व बहुत ज्यादा, लोगों ने व्रत रखा हुआ है, सुबह से रात के 12 बजे दर्शन करने के बाद वो अपने घर जाएंगे और उसके बाद फिर व्रत को तोड़ेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए। इसके साथ साथ मन्नतों और मनौतियों का दौर भी शुरू हो जाता है जब भी इस तरह के हमारे महान पर्व आते हैं, लेकिन आज का दिन जो विषय है वो खासतौर पर विशेष पर्व है। उसके साथ साथ जैसे कि सभी लोग जानते भी हो, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के जो ये तिथि है, ये 19 साल बाद सुखद संयोग पड़ा है। यही संयोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के भी था, दिन भी बुधवार का था, तो इसलिए ये बहुत ही विशेष संयोग बन पड़ा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद है, किसी तरह की अप्रिय घटना ना घट जाए इसके लिए पुलिस वाले लगातार मुस्तैद है यहाँ पर। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए गार्ड्स वगैरह भी मौजूद है, साथ साथ बीच बीच में अनाउंसमेंट भी होते रहते हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था ना फैलता इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। आने और जाने के रास्तों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है, जैसे जैसे वो पल नजदीक आते जा रहे हैं श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग का संचार होता जा रहा है। लोग यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में आए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, हर उम्र और हर वर्ग का यहाँ पर जो भक्त है और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और श्री कृष्ण के जयकारों के साथ में मन में उमंगे लिए, तरंगे लिए और मन में श्रद्धा भाव लिए और साथ में मनौतियों को लेकर वो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाह रहे हैं। जी अमन जी, राहुल हमारे साथ बने रहिए, सौरभ देहरादून से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, आज के दिन जो मंदिरों की रौनक है वाकई देखने वाली है। सचिन हमारे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं। सचिन, आज के दिन मंदिरों की रौनक है बेहद ही खास दिखाई दे रही है, वाकई रौनक आज की देखने वाली है। राधे कृष्ण की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है, नंदलाल का आगमन होने ही वाला है, कुछ ही पल बाकी है 12 बजे। आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम, खासतौर पर आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। राहुल, आज का दिन जो है बेहद खास है कृष्ण भक्तों के लिए और आज के दिन का लाभ हर कोई प्राप्त करना चाहता है। राधे राधे बरसाने वाली राधे।
आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के साथ ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मनौतियाँ मांग रहे हैं। इसके साथ साथ लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज का दिन लोग इस कामनाओं के साथ में, शुभ कामनाओं के साथ में, अच्छी लोगों के साथ में कर लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बताना भी चाहते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि आज का दिन का महात्म्य कितना बड़ा हुआ। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाल रूप में सजे हुए हैं, उनके माता पिता न्यू बॉर्न बेबीज भी आए हुए हैं यहाँ पर, उनको भी श्री कृष्ण के रूप में सजाया गया। बीच में समय समय पर हमने दिखाते रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग 12 बजे की विशेष तौर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंदिरों में भजनों के जो उत्सव है वो और उच्च होते चले जा रहे हैं। आज के आनंद की जय के जयकारों के साथ में, भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के साथ में, राधा रानी के जयकारों के साथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्साह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। नोएडा में भी इसकी जबरदस्त धूम है। दही हांडी के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया पूरे देश भर में। इसके साथ गाजियाबाद और नोएडा में भी दही हांडी कार्यक्रम की धूम रही। दही हांडी कार्यक्रम के बारे में बता दो कि इस बार तो एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसके अंदर गोपिकाओं द्वारा दही हांडी को तुड़वाया गया। तो दही हांडी का कार्यक्रम की बात हो चाहे माखन मिश्री के प्रसाद की बात हो, चाहे आज के आनंद की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की बात हो, चाहे राधा रानी की बात हो, चाहे मथुरा वृंदावन की बात हो, आज के दिन हर जगह उल्लास है, उमंग है, तरंग है और हर कोई बहुत खुश है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूं एक बार फिर से मंदिर की ओर दिखाएं। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है, सुगंधित पुष्पों के साथ में, सुंदर लाइटिंग के साथ में यहां पर सभी लोग आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से मंदिर में लोग जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके लौट रहे, प्रफुल्लित होकर लौट रहे, खुश होकर लौट रहे, और साथ में उन्हें इस बात की भी खुशी है कि आज के शुभ दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र कास्त्र में उच्च का चंद्रमा और जो 19 साल बाद सुखद संयोग बनाया, जो कि द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय में यह संयोग बना था। आज का दिन इसलिए भी शुभ है, उनके चेहरों पर प्रसन्नता देखी जा सकती है, साफ तौर पर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं कि आज के विशेष दिन पे वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कर पा रहे हैं। जी अमन जी, राहुल सौरभ के पास चलते हैं, देहरादून की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। सौरभ, आज के दिन मंदिरों में जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। जी बिल्कुल, जो मंदिरों की जो रौनक है वो बिल्कुल देखते ही बनते हैं, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर में, तो लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। और जो है लगातार जो अगर कहा जाए कि राजधानी दून की बात की जाए तो हर मंदिर का यही जो है आलम है। यहाँ पर जो है लगातार भीड़ है, भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि भगवान का जो जन्म का जो समय है वो बिल्कुल नजदीक आता चला जा रहा है। लोग उस ओर आकर्षित हो रहे हैं, भगवान की झांकियों को निहार रहे हैं, और भगवान का जो जन्म का समय है, जो इस दौरान का जो जब भगवान का जन्म होगा तो उस चीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और अगर कहा जाए कि मंदिरों की बात, तो मंदिर समितियों ने अपनी तरफ से जो तमाम तरीके के ऐसे प्रबंध किए कि भगवान का जो जन्म होगा, जो समय होगा, उस समय पर जो है चाहे वो आतिशबाजी हो या जो यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो, तो बारी उसमें होगा, तो कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो बिल्कुल देखते ही बनता है। जी अमन जी, सौरभ कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। कृष्ण भक्त भारी गिनती में मौजूद है, उनको कैसा लग रहा है, उनका इंतजार खत्म होने वाला है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से जो है भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे जो जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है इतना जो है जो उत्साह था, जो उन लोगों में जो लगातार जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि समय जो है बिल्कुल अंतिम चरण पे, भगवान के जन्म का समय जो है बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तो जरूर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं, कहाँ से आए हैं। हम यहीं के हैं, लोकल हैं, और भगवान का जन्मदिन बहुत बढ़िया मना रहे हैं हम, और दो दिन मनाया जाएगा, ये तो हमारे इधर 2 दिन मनाएंगे। लगातार जो भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए लोग आ रहे हैं, इस तरह बढ़ रहे हैं, भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है, लगातार जो उत्साह बढ़ रहा है, तांता लगा हुआ है, और भगवान के जन्मदिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जी अमन जी बिल्कुल, सारा इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, इंतजार की घड़ियां कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएंगी, कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होंगे सभी कृष्ण भक्तों को, और उनका जो आज का दिन है सफल हो जाएगा कृष्ण भक्तों का। सचिन जब जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन कुछ ही देर बाद जो भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा, उनका आज का दिन सफल हो जाएगा जो सुबह से वो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही थी, कुछ ही समय बचा है कान्हा के जन्म को, उसके बाद जो है भक्तों का जो आंखें जो तरस गई है कान्हा को देखने के लिए वो पूरी हो जाएगी।
आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं जो मंदिर है वहाँ महाआरती शुरू हो चुकी है। कुछ देर सुबह तीन बार जो है यहाँ अभिषेक किया गया था, सुबह 10 से 11, उसके बाद दोपहर में 203 और अभी रात को 10 से 11 बजे तक यहाँ महाअभिषेक किया गया था। उसके बाद भगवान राधा और कृष्ण का जो है श्रृंगार किया गया है, उसके बाद 1008 इनके नामों का उच्चारण किया गया और अब महाआरती की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सुंदर और भव्य मंदिर को सजाया गया है। कुछ ही देर बाद जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा तो यहाँ से भगवान को पालकी में बिठाकर जो है मंदिर तक ले जाया जाएगा और वहाँ हमेशा की तरह उनकी स्थापना की जाएगी। अमन, मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर है यहाँ पर जो अभिषेक किया गया है वह अभिषेक एक खास वजह रखता है अपने आप की, क्योंकि दूध दही और घी के अलावा कई तरह के जूस, कई तरह के व्यंजन, कई तरह के फूल और कई तरह के फलों से इनका अभिषेक किया गया था। और दिन में तीन बार कई घंटों तक चलने वाले अभिषेक के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो है श्रृंगार किया गया, और जब तक श्रृंगार किया गया तब तक भक्तों को श्री कृष्ण के जन्म की महत्ता को समझाया गया, उन्हें बताया गया कि किस तरह से जो है श्री कृष्ण का जन्म होता है और किस तरह से विश्वास ही हमें अपने भगवान से जोड़ता है। और आप देख रहे होंगे हमारे जो सामने भव्य मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की जो शोभा देखते ही बन रही है। मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो अब महाआरती कर रहे हैं, महाआरती की शुरुआत हो चुकी है। महाआरती करीब 15 से 20 मिनट चलेगी और उसके बाद 12 बजते ही जो है कान्हा का जन्म हो जाएगा, और कान्हा का जन्म के बाद कान्हा को पालकी में बिठाकर जो है इस पांडाल के पास में ही बनाए गए जो मंदिर है, यहाँ जो मंदिर परिसर में जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में कान्हा की स्थापना की जाएगी। और उसके बाद जो कान्हा का अवतार हो जाएगा और कान्हा कलयुग में जो पापी है उनका नाश करेंगे। भक्तों का जो इंतजार है वो कुछ देर में खत्म होने वाला है। बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ जमा है, लोग सुबह से यहाँ जमा है, लेकिन अब कुछ ही पल बचे हैं, कुछ ही समय बचा है जब भक्तों की जो है जो इंतजार वो खत्म हो जाएगा, अपने कान्हा के जन्म को देख पाएंगे, श्री कृष्ण का जो है जन्म हो जाएगा। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो कैमरा पैन करके दिखाएगी कितने भक्त यहाँ मौजूद है पूरे प्रांगण में और किस तरह से जो है इंतजार कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं किस तरह से लोग जमा है यहाँ प्रांगण में, पूरे प्रांगण में किस तरह से लोग जो का जमाव लगा हुआ है रात के, और जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है यहाँ प्रांगण में बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। लोग नीचे बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, लोग खड़े आपको नजर आ रहे होंगे। पूरा प्रांगण पूरी तरह भर गया, जितने लोग पांडाल में मौजूद है उतने ही लोग या कहें कि उससे ज्यादा लोग पांडाल के बाहर मौजूद है जिन्हें जगह नहीं मिल पाई है बैठने के लिए। और बस कुछ ही पल बाकी बचा है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, पापियों का नाश होगा और लोगों की जो आंखें हैं जो तरस गई है अपने भगवान को देखने के लिए वो पूर्ण हो जाएगी। जी अमन जी, सचिन राहुल के पास चलेंगे, नोएडा की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। राहुल, आज हर कोई कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। जी बिल्कुल अमन, कृष्ण के रंग में सभी लोग रंगे हुए हैं, कृष्ण भक्ति में सराबोर हैं, कृष्ण के लिए व्रत रखा हुआ है लोगों ने, बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए लोग मंदिरों में उमड़ रहे हैं, घरों को भी विशेष रूप से सजाया गया है, झांकियां विशेष रूप से सजाई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रतीकात्मक रूप में लोग खीरा काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही उनको दूध दही के साथ साथ उनको पंचामृत के साथ उनको स्नान कराया जाता है। वो पंचामृत ग्रहण करने के बाद माना जाता है कि श्रद्धालुओं का जो है जो भक्तों की जो है मनोकामना पूरा आती है। मेघमा कैमरा से फिर गुजारिश करूंगा कि दिखाएं किस तरीके से लंबी कतारों में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद है। तो इसके साथ साथ हर्ष और उल्लास लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। जो लोग दर्शन करके वापस लौट रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खुश है, उत्साहित है। उसके साथ साथ जो लोग कतारों में लगे हुए हैं वो अपने उस खास पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो भगवान श्री कृष्ण के सामने होंगे और उसके बाद अपनी मनौती मांगेंगे, तो वो पलों की प्रतीक्षा खासतौर पर की जा रही है। इसके साथ लंबी कतारों में लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर उम्र और वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिर को भव्य तरीके से भी सजाया गया है, हर्षोल्लास के साथ में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है बहुत ही बड़ा हमारे यहाँ त्यौहार माना जाता है, जन्माष्टमी का त्यौहार है। जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो भादबर्गी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, इसलिए इसको जन्माष्टमी बोलता है। देखिए मंदिर की ओर से भी जयकारों की आवाज बहुत तेजी से गूंज रही है, जैसे जैसे 12 बजे की घड़ी वो पल नजदीक आ रहा है, लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। मंदिरों में ध्वनियां जो है वो और तेज होती है, जयकारे और तेज होते जा रहे हैं, लोगों का उत्साह अपने चरम पर है। जी अमन बिल्कुल, राहुल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आज भक्तों ने व्रत भी रखा है और कृष्ण के दर्शन करने के बाद वो व्रत खोलेंगे। जी
ये जो व्रत रखा गया है ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म के प्रतीकात्मक रूप में रखा गया है, जो कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये त्यौहार हिंदू का बहुत बड़ा त्यौहार है और भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म को लेकर लोगों ने सुबह से व्रत रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए हुए हैं। खासतौर पर घीर की बात करो इसके अलावा पाक कला के साथ में नारियल के कुछ चीजें होती है उनको बनाया जाता है, व्यंजन होते हैं नारियल के, अलग अलग तरीके के फलों का आहार भी लेते हैं आज के दिन। लोग नमक को दूर रखते हैं अपने भोजन में आज के